नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक सीमा रेखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा, देखिए छत्तीसगढ़ पूर्णतः एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य मतलब क्या, जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से और ना ही किसी देश की सीमा को स्पर्श करती है। तो छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य हो गया, भू आवेष्टित। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 135,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 135,000 वर्ग किलोमीटर। ऐसे बड़े डेटा को याद करने के लिए हमेशा इसको ब्रेक करके याद करिएगा। 135,191 अगर ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो कैसे ब्रेक करिएगा, 135,191 इस तरीके से याद करिएगा, 135,191। फिर भारत का क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ 4.11% है, 4.11% है, जबकि वहीं भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.11% है। ठीक है, भारत में स्थान छत्तीसगढ़ 9वां स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से बाकी राज्य का भी देख लेते हैं स्थान। तो पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पाँचवा गुजरात, छठवा कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, देखिए इंडिया का नीचे वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से है। तो ये पानी में डूबा हुआ है, पानी इस चाइस के तीनों साइड पानी है, ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ इस एरिया में पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। फिर जो छत्तीसगढ़ की आकृति है वो समुद्री घोड़ा के समान है, ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। छत्तीसगढ़ का मैप सी हॉर्स के समान इस तरीके से कहीं बनता है, तो ये सी हॉर्स के जैसा दिखता है। और सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है, तो सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ठीक है, हिप्पोपोटामस से अलग है, हिप्पोकैम्पस अलग है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के 7 राज्यों की सीमाएं जुड़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य से देश के 7 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हैं। अब ये कौन कौन से राज्य हैं, हम सीधे मैप में पहले आते हैं, उसके बाद वापस इसी स्थान पर आ जाएंगे। 7 राज्य देखिए, पूर्व में उड़ीसा है, पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में महाराष्ट्र है, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है, उत्तर पूर्व में झारखंड, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। अब इसको मैप से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, उसके बाद ये बाकी इसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। ये देखिए, ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश ऊपर में है, ये वाला जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश केवल बलरामपुर को टच करती है, ये ध्यान रखेंगे। तो उत्तर में छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रहेगा। उत्तर पूर्व में तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक झारखंड है, तो मतलब झारखंड सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों को टच करती है, बलरामपुर और जसपुर। क्लियर। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो देखिए उड़ीसा पूर्व में पड़ता है, उड़ीसा देखेंगे तो जसपुर से स्टार्ट होता है, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये धमतरी का छोटा सा हिस्सा बस टच करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोंडागांव नीचे आएंगे तो बस्तर, फिर सुकमा, यहाँ तक उड़ीसा टच करता है। फिर नीचे देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश इस हिस्से को टच करता है, तो आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच करता है। तो दक्षिण में अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश, हम लोगों ने अभी उत्तर में देखा उत्तर प्रदेश था, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में ये उड़ीसा हो गया, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। फिर दक्षिण पश्चिम पूछे तो तेलंगाना, ये देखिए तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम तेलंगाना है, तो तेलंगाना केवल 2 जिलों को टच करती है, बीजापुर और सुकमा। उसके बाद देखिए पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में हमको मिलता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 4 जिलों को टच करती है, तो कहाँ से, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव। ठीक है, फिर हम उत्तर पश्चिम की ओर देखते हैं तो मध्य प्रदेश टच होता है उत्तर प्रदेश पश्चिम में, तो मध्य प्रदेश किसको किसको टच करता है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश बलरामपुर को भी टच करती है, थोड़ा सा हिस्सा बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया, मतलब ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये 3 जिले तो टच करती हैं। उसके बाद गोरेला पिंडा मरवाही, फिर ये मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। जब गोरेला पिंडा मरवाही नहीं था तब बिलासपुर को टच करती थी, अब चूंकि गोरेला पिंडा मरवाही का निर्माण हो चुका है तो बॉर्डर में अब गोरेला पिंडा मरवाही आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये सारे जिले टच करते हैं। अब वापस हम लोग फैक्ट्स पे आ जाते हैं।
अब देखिए पूर्व में कौन सा उड़ीसा राज्य देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसमें 8 जिले टोटल टच करते हैं उड़ीसा राज्य को, और ये जिले कौन कौन से हैं, तो जशपुर है, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। फिर उत्तर पश्चिम में हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश है, ये 7 जिले को टच करती है, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर एक साथ याद रखिएगा। फिर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। फिर पश्चिम में महाराष्ट्र है, 4 जिले टच करते हैं, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना है, तेलंगाना 2 जिले को टच करता है, बीजापुर और सुकमा। उत्तर पूर्व में झारखंड है, झारखंड भी 2 जिले को टच करता है, बलरामपुर और जशपुर। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, 1 जिले को टच करता है, केवल केवल बलरामपुर को। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, ये भी 1 जिले को टच करता है, सुकमा। ठीक है, इतना ध्यान रहेंगे। अब सबसे ज़्यादा जिले किस कौन टच करता है, उड़ीसा राज्य, ठीक है, 8 जिले को टच करता है उड़ीसा। और सबसे कम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये दोनों एक एक जिले को टच करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और फैक्ट कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति कहाँ है पूछने से, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। ये अगर मैं ऐसे मोटा मोटा इसकी फिगर बनाऊँ तो ये MP और छत्तीसगढ़, ये जब डिवाइड नहीं हुआ था तब की बात है, छत्तीसगढ़ इतने को काट के बना दिया गया, तो ये MP के दक्षिण पूर्व, ये वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। अभी हम लोगों ने देखा ये अगर छत्तीसगढ़ है तो ये आंध्र प्रदेश नीचे साइड है, मतलब छत्तीसगढ़ के नीचे कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा हम लोगों ने देखा था, ये अगर छत्तीसगढ़ का ये मैप है तो उड़ीसा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होता है, तो ये करीब 8 जिलों को टच करती है। तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, उड़ीसा बनाता है। ये सबसे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 जिले छूने वाले राज्य हैं, एक UP ऊपर बलरामपुर को टच करता है और नीचे आंध्र प्रदेश सुकमा को टच करता है। तो ये दोनों एक एक जिले को टच करते हैं, लेकिन सबसे कम क्षेत्र कौन छूता है, सबसे कम सीमा नीचे आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना, उत्तर प्रदेश टिक नहीं मानना। फिर छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अभी हम लोगों ने देखा टोटल 7 राज्य टच करते हैं छत्तीसगढ़ के सीमा को। इधर उत्तर में उत्तर प्रदेश देख लिए, यहाँ से यहाँ तक झारखंड था, फिर ये उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और MP। तो MP सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। यहाँ पूरे भारत की बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो MP। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है, झारखंड है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर है, मतलब बलरामपुर ये सबसे ज़्यादा सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब क्या हुआ, जो दूसरे राज्य की सीमा को टच करता है वो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कहलाता है। तो कौन सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, बलरामपुर, और उसे सबसे छोटा कौन सा, धमतरी। हम लोगों ने देखा था मैप में, देखिए धमतरी देखेंगे तो ये सिर्फ इतना सा छोटा सा हिस्सा टच हो रहा है दूसरे राज्य से, तो सबसे छोटी सीमा धमतरी की है अंतर्राज्यीय सीमा। और सबसे बड़ा देखें तो ये देखिए बलरामपुर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, कौन सी जिला, तो बलरामपुर। ठीक है, वापस हम लोग देखते हैं, इधर सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं, 2, और 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं 3, 3, 2, 2, 3। ठीक है, तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से, एक बलरामपुर और एक सुकमा। बलरामपुर कौन कौन से 3, 2 जिले को टच करते हैं, तो 3 जिले को टच करते हैं, 3 राज्यों को टच करते हैं, सॉरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और सुकमा उड़ीसा को, तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को। फिर 2 राज्यों को सीमा के स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं, जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। तो जशपुर टच करता है झारखंड उड़ीसा को, राजनांदगांव टच करता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, बीजापुर टच करता है तेलंगाना एवं महाराष्ट्र को। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये मैप था, ये मैप तो हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब देखिए कुल जिले कितने हैं, टोटल 28 जिले हैं, इसमें से अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित 18 जिले हैं, मतलब ऐसे जिले जो कि दूसरे राज्य की सीमा को टच करते हैं। और भू अवस्थित जिले कितने हैं, 10। ठीक है, 18 जिले अंतर्राज्यीय सीमा वाले और भू अवस्थित जिले 10। तो इन लाइन से हम लोग देख लेते हैं कि ये जिले कौन कौन से हैं, तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी,
कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। बहुराष्ट्रीय जिले देख लेते हैं तो सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा और बिलासपुर, ये 10 जिले ऐसे हैं जो बहुराष्ट्रीय जिले कहलाते हैं। उसके बाद सबसे बहुराष्ट्रीय सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरबा। बहुराष्ट्रीय सबसे छोटा जिला है दुर्ग। गुरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद बिलासपुर एक सीमावर्ती जिले से बहुराष्ट्रीय जिला बन गया है। इस कारण से बहुराष्ट्रीय जिलों की संख्या 10 हो गई है, किंतु अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 18 ही है। पहले जब गुरेला पेंड्रा मरवाही का निर्माण नहीं हुआ था तो बिलासपुर जो था एक सीमावर्ती जिला कहलाता था, लेकिन गुरेला पेंड्रा मरवाही बॉर्डर एरिया में आ गया, इसलिए ये बिलासपुर एक बहुराष्ट्रीय जिला बन गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिए। छत्तीसगढ़ सीमांत जिला कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उत्तरतम जिला बलरामपुर है, रामानुजगंज तहसील। सुदूर पूर्व जिला जशपुर है। दक्षिणतम जिला सुकमा, कोंटा तहसील। और सुदूर पूर्व पश्चिम जिला बीजापुर, भोपालपट्टनम तहसील। ठीक है, अच्छा, हम लोग इस जैसे पूर्व में आया तो पूर्व में ये वाले भी आएंगे एरिया, लेकिन हम लोग सिर्फ जशपुर वाले क्षेत्र को क्यों ले रहे हैं, इसका कारण ये है। देखिए, इसके जो बॉर्डर में टच है, मतलब ये अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊँ ये ऐसे, तो देखिए उत्तर में किसको टच हो रहा है, तो बलरामपुर जिला। पूर्व में यहाँ पे आ जा रहा है जशपुर, दक्षिण में सुकमा कोंटा और बीजापुर भोपालपट्टनम पश्चिम जिले में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सीमांत जिला हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिला से बनती है। क्लियर, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से लगे राज्यों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत संघ में स्थान, मतलब छत्तीसगढ़ से जो 7 राज्य लगे हुए हैं उनका जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल क्या है वो हम लोग को देखते हैं। ठीक है, तो राज्य का नाम मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा है, जनसंख्या में छठवा है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरा है, जनसंख्या में दूसरा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में चौथा है, क्षेत्रफल में चौथा है और जनसंख्या में पहला। आंध्र प्रदेश 7वां, जनसंख्या में 5वां। उड़ीसा क्षेत्रफल में 8वां और जनसंख्या में 11वां। तेलंगाना 11वां और झारखंड क्षेत्रफल में 15वां राज्य है और जनसंख्या में 13वां है। ठीक है, क्लियर हुआ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आने वाले वीडियो में हम आगे का चैप्टर ख़त्म करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस हरिराम पटेल का पूरा सीरीज़ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ख़त्म किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।